वणक्कम पूर्वोत्तर प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में हिंसा और अराजकता को देखते हुए भारत ने पड़ोसी देश से लगती अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। हम आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश 4096 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। इनमें पश्चिम बंगाल में 2217 किलोमीटर, त्रिपुरा में 856 किलोमीटर, मेघालय में 443 किलोमीटर, असम में 262 किलोमीटर और मिजोरम में 318 किलोमीटर का सीमाई इलाका पड़ता है। मेघालय सरकार ने तो बांग्लादेश में मौजूदा हालात के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। अन्य राज्यों ने भी सीमाई क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। साथ ही सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने भारत बांग्लादेश सीमा पर अपनी सभी यूनिट्स के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास रहने वाले लोगों से कहा है कि वे ढाका में बदलते हालात के मद्देनजर सीमावर्ती इलाकों में विशेष रूप से रात के समय अनावश्यक आवाजाही नहीं करें। हम आपको बता दें कि BSF महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि सभी फील्ड कमांडर्स को निर्देश दिया गया है कि मोर्चे पर चौकसी बनाई रखी जाए और घुसपैठ, सीमा पार अपराध और तस्करी की घटनाओं से सख्ती से निपटा जाए। बताया जा रहा है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थिति सामान्य है और पांचों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के ग्रामीणों और स्थानीय लोगों से कहा गया है कि वे खासकर रात के समय अनावश्यक रूप से आवाजाही नहीं करें। हम आपको बता दें कि BSF ने अपने 6 फ्रंटियर के तहत पूरे सीमा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए करीब 87 बटालियन को तैनात किया है। BSF ने असम में भारत बांग्लादेश सीमा पर भी सुरक्षा की समीक्षा की है। सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है तथा सभी स्तरों पर जवानों को अत्यधिक सतर्कता बरतने को कहा गया है। BSF प्रवक्ता ने कहा है कि किसी भी खतरे का समय पर पता लगाने और उसे बेअसर करने के लिए खुफिया अभियान तेज कर दिए गए हैं। BSF की गुवाहाटी फ्रंटियर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा विभिन्न आकस्मिकताओं की आशंका को देखते हुए की गई है। जवानों को सीमा पर कड़ी निगरानी रखने, जनशक्ति बढ़ाने और त्वरित प्रतिक्रिया दल गठित करने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि BSF की गुवाहाटी फ्रंटियर ने इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 11 बटालियन और जलीय सुरक्षा की एक इकाई तैनात की है और ये सभी अब हाई अलर्ट पर हैं। साथ ही सभी भूमि सीमा शुल्क स्टेशन यानी LCS पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सीमा चौकियों पर जनशक्ति बढ़ा दी गई है और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी निगरानी उपकरणों का पूरी क्षमता से उपयोग किया जा रहा है। साथ ही असम सरकार ने पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करने वाले अपनी सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। हम आपको बता दें कि असम के करीमगंज, कछार, धुबरी और दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले बांग्लादेश के साथ 267.5 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल पुथल के मद्देनजर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, असम राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम बांग्लादेश की स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। मैं लगातार दिल्ली के संपर्क में हूँ। मैंने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, असम राइफल्स और BSF के साथ बैठक की है। मैंने उनसे सीमा पर चौकसी बढ़ाने को कहा है। दिल्ली से मिलने वाले निर्देशों के आधार पर हम कदम उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के बीच समन्वय के महत्व पर भी जोर दिया और उन्हें बांग्लादेश से त्रिपुरा में किसी भी प्रकार के प्रवेश को रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी को भी भारत में प्रवेश नहीं करने दें। इस बीच BSF के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा पर अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की है। BSF के अतिरिक्त महानिदेशक रवि गांधी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अभियानगत तैयारियों की समीक्षा के लिए त्रिपुरा फ्रंटियर के मुख्यालय में एक बैठक की। वहीं मिजोरम के लांगटलाई जिले के जिला मजिस्ट्रेट चिमला शिव गोपाल रेड्डी ने जिले के निवासियों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले लांगटलाई जिले के निवासियों के लिए शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच दोनों सीमाओं के 3 किलोमीटर के भीतर जाने पर प्रतिबंध है। आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि उल्लिखित 12 घंटों के दौरान 3 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर व्यक्तियों या समूहों द्वारा वाहनों द्वारा आवाजाही या जानवरों को चराना वर्जित है। इसके अलावा मिजोरम पुलिस ने कहा है कि उन्होंने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है और 318 किलोमीटर लंबी बांग्लादेश सीमा पर सभी पुलिस स्टेशनों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया है। हम आपको यह भी बता दें कि BSF के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बंगाल में पेट्रापोल सीमा का दौरा किया है। इस दौरान सीमावर्ती समुदायों और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सीमावर्ती गांवों के लोगों के साथ एक समन्वय बैठक भी की गई। बताया जा रहा है कि यह चर्चा बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति और बांग्लादेशी सेना के सत्ता की कमान संभालने पर केंद्रित थी। BSF ने घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए सतर्कता की आवश्यकता पर जोर दिया है। बताया जा रहा है कि BSF बेहतर समन्वय के लिए बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश यानी BGB के संपर्क में भी है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।